बड़े दिल के साथ उन्होंने इस काम को किया है। हम सभी जानते हैं राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जाती है, राजनीति यदि की जाती है तो देश बनाने के लिए राजनीति की जाती है। शायद इसी भाव से उन्होंने सहज रूप से अपना पूरा सहयोग प्रदान किया है। साथियों, राजनीतिक दृष्टि से देखें तो तेलंगाना एक नया राज्य है, लेकिन भौगोलिकों में ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इसका इतिहास कई हजार वर्ष पुराना है। यदि आप प्राचीन इतिहास या मध्यकालीन इतिहास पर नज़र डालें तो यह हमेशा से ही एक बहुत ही प्रॉस्परस यानी समृद्ध क्षेत्र के रूप में यह जाना जाता रहा है। चाहे मौर्य साम्राज्य हो, सातवाहन साम्राज्य हो, फिर काकतीय वंश हो, हर काल में यह तेलंगाना का क्षेत्र अपने एग्रीकल्चरल एडवांसमेंट और आर्किटेक्चर कंट्रीब्यूशन के लिए सारे देश में जाना जाता था। सिर्फ प्राचीन काल ही नहीं बल्कि मैं मानता हूं कि आधुनिक काल में भी तेलंगाना राज्य राष्ट्र की प्रॉस्पेरिटी में, राष्ट्र की समृद्धि में अपना बहुत बड़ा योगदान देता रहा है। साथियों, प्राचीन काल से लेकर अब तक तेलंगाना की प्रॉस्पेरिटी के पीछे मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण देख पाता हूं और वह है यहाँ के लोगों की कड़ी मेहनत, यहाँ के लोगों का कड़ा परिश्रम। मुझे कई मौक़ों पर तेलंगाना आने का अवसर मिलता रहता है और यहाँ के लोगों से बातचीत करने का भी अवसर मिलता रहता है। इसके अलावा रक्षा मंत्रालय में या फिर आर्म्ड फोर्सेस में भी तेलंगाना के कई अधिकारियों से मुझे बातचीत करने का समय समय पर अवसर मिलता रहता है, तो मैं उनमें एक चीज़ जरूर देखता हूँ, वह देखता हूँ उनकी हार्ड वर्किंग, उनकी कड़ी मेहनत। इस क्षेत्र के लोगों के अंदर काम करने के प्रति गजब की कर्मठता देखने को मिलती है, इसलिए इस क्षेत्र के लोग भी अभिनंदन के पात्र हैं। मैं मुख्यमंत्री श्रीमान रेवंत रेड्डी जी से कहना चाहूँगा कि आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आप इतने मेहनती लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और आप यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। साथियों, जब यह वेरी लो फ्रिक्वेंसी स्टेशन अपने निर्माण के बाद यह काम करना प्रारंभ कर देगा, यानी जब फंक्शनल हो जाएगा, तो हमारे मैरिटाइम फोर्सेज के लिए अनेक दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। मेरी नज़र में इस प्रकार के हाई टेक इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ एक मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ही नहीं होते बल्कि इनका स्ट्रेटजिक रोल, रणनीतिक भूमिका इन्हें नेशनल इम्पॉर्टेंस का स्वाभाविक रूप से दर्जा देती है। दुनिया के अनेक रक्षा विशेषज्ञों का यह मानना है कि जिस तरीके से वारफेयर के तरीके डायनेमिक हो रहे हैं, ऐसी परिस्थितियों में मैन एंड मशीन यानी मनुष्य और मशीन के बीच इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन, प्रभावी समन्वय का यह होना, यह अति आवश्यक होता जा रहा है। चाहे वह साधारण परिस्थिति हो या फिर असाधारण परिस्थिति, हर स्थिति में किसी भी कमांड सेंटर का उससे जुड़े हुए सभी लोगों के बीच इन्फॉर्मेशन के सीमलेस फ्लो का यह होना बहुत जरूरी है। और इस प्रकार के कम्युनिकेशन के लिए ऐसे सेंटर्स मैं मानता हूं कि बेहद इम्पॉर्टेंट होते हैं। साथियों, एक स्ट्रांग मिलिट्री कम्युनिकेशन सिस्टम कई कारणों से यह महत्वपूर्ण होता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन किसी भी कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन के कोऑर्डिनेशन में यह बहुत ही आवश्यक हो जाता है। और यह मिशन में शामिल पर्सनल के रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी और उस मिशन के ऑब्जेक्टिव्स के प्रति उनकी अवेयरनेस, उनकी जागरूकता को यह लगातार बढ़ाता रहता है। एक क्लियर और सिक्योर कम्युनिकेशन चैनल न केवल टाइमली और इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग में वह मदद करता है बल्कि कमांड के ऑर्डर्स को फील्ड फॉर्मेशन तक पहुंचाने और सबॉर्डिनेट से फीडबैक प्राप्त करने के लिए भी यह एक महत्वपूर्ण माध्यम होता है। साथियों, दूसरी ओर जब सोल्जर्स अपने को पूरी तरह से इन्फॉर्म्ड और इंक्लूडेड पाते हैं तो उनके मोरेल और यूनिटी को बहुत ही बढ़ावा मिलता है। किसी भी युद्धस्थल या ऑपरेशनल इन्वायरमेंट में यदि पूरी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो तो इसका सेफ्टी और स्ट्रेटजी दोनों पर काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। इन सब बातों के अलावा क्राइसिस मैनेजमेंट की अवस्था में एक क्लियर कम्युनिकेशन चैनल तो एक रामबाण की तरह यह काम करता है। और ऐसा तब और यह आवश्यक हो जाता है
जब सिचुएशन बहुत ही डायनेमिक हो, यानी बहुत ही गतिशील हो, और रिस्पांस टाइम जब बहुत कम होता है। यह सब बातें ऐतिहासिक रूप से सिद्ध हैं और हम इतिहास से सीखते हुए भविष्य की सुरक्षा और समृद्धि के लिए लगातार हम सभी प्रयासरत हैं। साथियों, कम्युनिकेशन के महत्व को जब मैं ऐतिहासिक रूप से सिद्ध कह रहा हूँ तो यह ऐतिहासिक कहने का मेरा मतलब मानव सभ्यता के प्रारंभ से ही है। मानव इतिहास के पन्नों को आप पलटें तो आप यह पाएंगे कि पूरी मानव सभ्यता का जो इवोल्यूशन हुआ है, जो विकास हुआ है, वह एक तरह से कम्युनिकेशन और इवोल्यूशन के आधार पर हुआ है। जब भाषा का आविष्कार नहीं हुआ था तब भी मानव किसी न किसी माध्यम से आपस में कम्युनिकेट करता था, यानी एक दूसरे से बातचीत करता था किसी न किसी माध्यम से। आपने देखा होगा कि भीम बेटका जैसे अनेक प्राचीन स्थलों पर आदि मानव के द्वारा ऐसे चित्र बनाए गए हैं जिसमें वह इशारों के माध्यम से कुछ कहना चाहते हैं। यह इशारों के माध्यम से कुछ कहना कम्युनिकेशन का ही एक उदाहरण है। धीरे धीरे सभ्यता का विकास हुआ तो मानव ने कम्युनिकेशन के सिस्टम को और डेवलप किया और भाषा का आविष्कार हुआ, फिर लेखन प्रणाली का विकास हुआ, उसके बाद एक जगह से दूसरी जगह तक मैसेज को पहुंचाने के लिए कबूतरों का भी इस्तेमाल किया जाने लगा, घोड़ों का भी इस्तेमाल किया जाने लगा एक स्थान से दूसरे स्थान को संदेश भेजने के लिए। आधुनिक युग में यदि हम देखें तो संदेश पहुंचाने के लिए पोस्ट सिस्टम का यूज किया जाने लगा। किसी राज्य के अंदर या किसी देश के अंदर या फिर एक देश से दूसरे देश में भी चिट्ठियों का आदान प्रदान, लेटर्स का आदान प्रदान यह किया जाने लगा। आपस में भी कुछ लोग, आप में से भी यहाँ पर कुछ लोग होंगे जिन्होंने ब्लू करल में आने वाले इनलैंड लेटर्स, अंतर्देशीय पत्र को आपने देखा होगा, पहले उसका भी प्रयोग किया जाता था। हमारे यहाँ तो दुनिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट, सबसे पुरानी और वन ऑफ द लार्जेस्ट, बड़ी डाक व्यवस्था, पोस्टल सिस्टम अभी भी पाई जाती है, दुनिया में और किसी देश में नहीं है। इसके अलावा समय के साथ साथ फैक्स मशीनों के माध्यम से भी सूचनाओं को तुरंत भेजने का इंतजाम किया गया। उसके बाद इंटरनेट का जमाना आया तो कम्युनिकेशन का यह माध्यम ईमेल तक पहुंच गया और आज तो हम इतने अधिक डेवलप्ड युग में जी रहे हैं, डेवलप्ड एरा में जी रहे हैं कि हम व्हाट्सएप, टेलीग्राम और अन्य माध्यमों से खुद ही जो इन्फॉर्मेशन जिसके पास भेजना चाहते हैं उसके पास कुछ सेकंड्स में ही भेज पा रहे हैं। साथियों, आज हमने अपने कम्युनिकेशन के साधनों को इतना विकसित कर लिया है कि हम स्पेस में सैटेलाइट भेज रहे हैं, उसके माध्यम से दुनिया के एक कोने में बैठा हुआ आदमी दुनिया के दूसरे कोने में बैठे हुए आदमी से न सिर्फ बात कर सकता है बल्कि उससे लाइव भी देख सकता है। आज से कुछ दशक पहले जो चीज़ कल्पना लगती थी आज वह सच्चाई बन गई है, यथार्थ बन गई है, और ऐसा सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन के दम पर ही यह संभव हो पाया है। कहाँ तो मानव पहले अपने घर परिवार और गांव तक सीमित रहता था और कहाँ आज हम देश दुनिया की खबरों को अपनी जेब में लेकर घूमते हैं। इतनी बड़ी प्रगति सारे भारत में ही नहीं, सारे विश्व में हुई है। साथियों, कम्युनिकेशन के इतिहास में यदि हम पिछले एक दो दशकों पर नज़र डालें तो इस दौरान जो प्रोग्रेस हुई है अब तक की सारी प्रोग्रेस पर यह भारी पड़ती है। कम्युनिकेशन में जब एडवांस टेक्नोलॉजी का रोल कहीं ज़्यादा बढ़ गया है, कोविड के दौरान हम सब ने यह देखा होगा जब लॉकडाउन था तो उस समय भी स्कूल, कॉलेज आज सभी जब बंद हो चुके थे उस समय भी यह संचार व्यवस्था कम्युनिकेशन के नए माध्यम का ही एक करिश्मा था, उसी का कमाल था कि शिक्षा व्यवस्था पर, चिकित्सा व्यवस्था पर और जरूरी सेवाओं पर कोई ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ने पाया। टेली एजुकेशन के माध्यम से विद्यार्थी घर बैठे शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त करते रहे और इसके अलावा डॉक्टर से सलाह मशविरा करने के लिए भी टेली कंसल्टेशन की प्रणाली भी काम में लाई जाती रही है। यह कम्युनिकेशन की ही भूमिका है साथियों कि अब हम सिर्फ आपस में ही नहीं
बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान कर रहे हैं। साथियों, आज हम जिस वेरी लो फ्रिक्वेंसी स्टेशन की स्थापना करने जा रहे हैं, यह हमारे मैरिटाइम फोर्सेस के लिए कम्युनिकेशन स्थापित करने की कड़ी में हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास है और यह हमारी आर्म फोर्सेस के कमांड सेंटर्स के साथ समुद्र में तैनात हमारी शिप्स और सब मेरिन्स के बीच एक स्ट्रांग और रियल टाइम कम्युनिकेशन यह डेवलप करेगा और यह स्टेशन हमारे मैरिटाइम इंटरेस्ट को सिक्योर करने की इसी विजन के साथ, इसी दृष्टिकोण के साथ बनाया जा रहा है। साथियों, कई बार हमारे पास इक्विपमेंट भले ही ज़्यादा हो, मैन पावर भले ही ज़्यादा हो, लेकिन उस स्थिति में भी अगर हमारे पास सटीक सूचना नहीं है, सटीक इन्फॉर्मेशन नहीं है और हमारे बाकी के सेंटर्स के साथ हमारा अच्छा कम्युनिकेशन नहीं है, तो हमारे लिए निर्णय लेने में बड़ी दुविधा उत्पन्न होती है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि एक सिक्योर और रियल टाइम कम्युनिकेशन का न होना हार और जीत के बीच एक निर्णायक फैक्टर साबित हो सकता है, इसलिए इस वेरी लो फ्रिक्वेंसी स्टेशन का महत्व है।